ओम शांति। 27 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। आज की मुरली का प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है, वह सब भूलना है। बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है, वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र हैं, उस पर कोई कट अर्थात जंक नहीं है। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र हैं, उस पर कोई कट अर्थात जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्ट धारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुहे रहस्य को भी समझकर चलना है। ड्रामा के हर पार्ट धारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुहे रहस्य को भी समझकर चलना है। आज के मुरली का वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विश्लेषण है, सर्वशक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए। सर्वशक्ति भव का वरदान
दे देता है। बाबा कहते, वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। आज की मुरली का स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। ओम शांति।